एक आम आदमी जैसी रूटीन है, नो डिफरेंस. सबसे पहले ये है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 14th February, विच इज इंसिडेंटली वैलेंटाइन. माई बर्थडे वाज ऑन वैलेंटाइन. तो जब से पहले मैंने सुना वैलेंटाइन, किसी को कहते अरे आप तो वैलेंटाइन, तो मैं समझ नहीं आई मुझे वैलेंटाइन होता क्या है. तो मैंने सोचा कि कह रहा है वैलेंटाइन, तो वो मेरा मोटो बन गया लाइफ का. तो मेरा ये हिसाब है कि वक्त पे सोना है, वक्त पे उठना है, वैलेंटाइन खाना पीना सोना उठना एवरी टाइम. करो कृपा करो कृपा मेरी साईं मेरिया सोचा च वस जा. धन गुरु नानक धन गुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु. Discipline and darji, they can never ever be separated. If you are disciplined, you can achieve anything in life. Anything in life. He's not only my darji, he's my friend's darji. He's my friend's friend's darji. Until they, when I meet my school friends, you know, they just ask me, how's darji? Is he still playing? I tell you, at his age, I can't even imagine the other people who can even stand for 3 hours or walk for 3 hours. He plays badminton for more than 3 hours. ये हमेशा डेली इनका रूटीन है कि 6:45 बजे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचना है सबसे पहले और सबसे एंड लास्ट. इवन 4 घंटे खेलना मायने रखता है किसी चीज का. मुझे पता नहीं कि गेम मेरे जिस्म में थी या पिछले जन्म से ही आ रही थी. जब से होश संभाला है मैं गेम से बहुत एक्सपर्ट था. आई वॉज क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स एंड अबाउट माई हेल्थ. आई हैड नेवर सफर्ड एनी मेजर डिजीज. स्पोर्ट वॉज बॉर्न विद मी एक्चुअली एज इट. स्पोर्ट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ. स्पोर्ट नहीं है तो वो लेजी है, डल है. इन वन वर्ड इफ यू वांट मी टू डिस्क्राइब हिम, ही इज अ परफेक्शनिस्ट. नाउ टॉक अबाउट हिज हैंड राइटिंग, इंग्लिश हिंदी पंजाबी उर्दू, ऑल द राइटिंग्स इफ यू सी एंड शॉर्ट एंड इफ यू सी हिज राइटिंग, यू कैन नॉट मेक आउट वेदर इज प्रिंटेड or is handwritten. Writing his normal handwriting is excellent. English or Punjabi or Hindi or Urdu, whatever. Then he writes poetry. बहुत बड़े ध्यान से सुनना. एक शहजादी राजमहल चो जिद कर निकली इकली, पांच कहारा संग मन मत्ती मेला वेखड़ चली. वन सुवन्ने वेख तमाशे मन ऐसा फरमाया कि कर कर नाना भोग भेख इस अपना आप पुलाया. लगी ऐसी चाट माया ने ऐसा अवर वरताया कि ऐसी मेले विच गुआची ते अपना महल पुलाया. परमात्मा दे महलां चों विछड़ के इह हुण माया दे जंजालां दे विच आके फस गई. देखो पांच कहारा, ये कौन ने पांच कहार? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार.
इनसे अच्छी गेंद मुझे नहीं लगता कि कोई खेलता होगा इस एज के हिसाब से. जो इनकी बहुत अच्छी चीज़ है, सब को सिखाते हैं, छोटा बच्चा कोई बड़ा हो, कोई गर्ल हो, लेडीज हो, हर चीज़ को. दार जी के बारे में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है वो उनकी कंसिस्टेंसी. बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो या उनको बुखार हो, पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दार जी को बैडमिंटन खेलने से रोक सके. His food habits, he will not take anything else other than breakfast, lunch and dinner. In between munching something here or there, going to a restaurant, no. No means no. वक़्त पे खाओ. अरे मुर्दे को भूख नहीं लगती, जिंदा को भूख लगती है. तो जिंदा को भूख लगती है तो जीवन दान उसके अंदर, जीवन दान परमात्मा बैठा हुआ है, उसको भूख लगती है. तो उसको क्या बाजार की गंदी चीज़ें खिलाओगे? We used to have matches in D block market. You won't believe it. Darji won the championship above 60. Then my Chacha Ji, he won the membership in the normal category, the youngster. No? Then below 16 in boys section, my brother won. And girls below 16, I won. And we were all trained by Darji. So the society was like the whole amount in the whole, every trophy is going to Dosi family. मैं अपने बच्चों को चाहता था कि स्पोर्ट में, किसी ना किसी स्पोर्ट में ये आउटस्टैंडिंग निकले. मैं 3 रैकेट लाया, एक अपने लिए और 2 बच्चों के लिए. तो जो मुझे थोड़ा बहुत अंदर से ज्ञान था कि बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, मैं कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन उनका मैं कोच बन गया और उनको खिलाते खिलाते मुझे अच्छा लगा. उनको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख गया और साथ ही साथ मेरे मिनिस्ट्री में जो थे, देयर आई वाज सेलेक्टेड. ए वेटरन कैन पार्टिसिपेट इन ओनली 3 इवेंट्स एंड इन ऑल द 3 इवेंट्स आउट ऑफ ए टीम ऑफ 32 आई वाज द ओनली पर्सन वाज ऑन विक्ट्री स्टैंड. मजेदार बात यह है, जब फर्स्ट आया तो 25 रुपये इनाम, सेकंड आया तो 15 रुपीस. कमाल है यार. पावर लिफ्टिंग के अंदर पहुंचे तो वो हिमांशु नाम है उसका, वो क्या करा, इन्होंने कहा कि एक डंबल था 25 किलो का, तो उन्होंने कहा कि आप इसको उठा के दिखाओ. तो जो 30 इयर्स ओल्ड हिमांशु हमारा फ्रेंड था, उससे वो ऐसे करके नहीं उठा, लेकिन दार जी के अंदर इतनी पावर है इस एज में भी, उन्होंने सीधा डंबल को ऐसे उठा के ऐसे स्ट्रेट हाथ किया ना, हम बड़े हैरान हुए, इवन हमसे भी नहीं उठा वो. इस एज तक पहुंचना और फिर खेलना, ये हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे को एक देते हैं अंदर से, कि हम भी, हम सोचते हैं हम भी, हमारी भी इतनी उम्र हो और हम इतना खेलें. माय फादर वाज अ वेरी हार्ड मास्टर, वो कुश्ती कबड्डी में बहुत माहिर थे. उन्होंने हमें मसाज करनी सुबह उठ के और उन्होंने हमें बॉडी को फिट करना रखना कैसे सिखाया. लकड़ी के हथौड़े बना रखे थे, वो मालिश करते थे अपने आप को और हमें कहते थे हमारे मसल पे ये लकड़ी के हथौड़े मारो, देखो ये पत्थर बनाना है शरीर को, इसको ढीला नहीं होने देना. तो लोग हैरान होते थे आके, अपने कैमरे ला के मेरी फ़ोटो ले. मैं पूछता था मीडिया से आप? नहीं, मीडिया से नहीं, आपकी गेम देख के ना हमें लगता है कि हम क्यों नहीं ऐसे हैं, कितने स्मार्ट हो, कितनी उम्र है आपकी और आप इतना अच्छा खेलते हो. तो हम कहते हैं ये फ़ोटो लेके ना अपने बच्चों को दिखाते हैं
वीडियो बना के. तो मैं क्या आपने नहीं सीखा, बच्चों को सिखाने जाते हो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी है. Then he plays very good carom. Carom also is very perfectionist, you can say. Carom he plays, chess he plays. Playing carom, in fact, you know. Okay, it's a simple game for you playing a carom, but how to hold the striker, how to target that point, how to look at that hole, how to focus. I'm two games. Today I realize, being a mother of a child, of a 16-year-old daughter, that what focus is all about. Where you have to point to carom, you can learn so much. Mota maar ke. I am always well in time because I am Valentinian. Whatever you do, you should do it happily. That thereby you can gain happiness. तो मेरा मोटो एक था, लगन मगन तगन. लगन, लगन का मतलब पूरा उसमें शौक उसमें डाल दो, पूरा इंटरेस्ट उसमें डालो और उसमें इतना इंटरेस्ट लो तो उसमें मगन हो जाओ, दूसरे के बारे में सोच ना हो, डिस्टर्ब ना हो. तो तगन आप कहाँ तक जा सकते हैं, इतना एग्जर्ट करो कि जहां तक आप बिल्कुल हार जाओ कि इसके आगे कुछ नहीं है, यही मंजिल है. Doesn't look his age, that's for sure. And if he left the secret out of anti-aging, the whole of anti-aging industry will be put to shame. ये हमारे coach हैं. इनसे सीखा हमने कि life कैसे जीते हैं. मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ बुढ़ापे से लगता है. And दाजी उसने example कि बुढ़ापे को कैसे जीना चाहिए. कि मेरे दाजी 89 के, और मेरे father साहब भी 89 के. But he can't move, he can't walk. बट दाजी ये हमें पसीना आ जाता है और दाजी को एक मतलब रिंच मात्र भी थकावट नहीं होती. सेटिंग एन एग्जांपल हाउ टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एज यंग एज माय उमंग